नमस्ते मेरे इतिहास प्रेमियों, हम आज बात करेंगे एक अनसुने शख्स के बारे में जिनके बारे में कुछ ही लोग अच्छे से जानते हैं। हम बात करेंगे सोनी मराठी पर चल रहे स्वराज्यजननी जिजामाता सीरियल के उस शख्स के बारे में जिनका नाम है लखुजी जाधव, यानी स्वराज्य की राजमाता जिजाऊ के पिता और छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी। लखुजी विदर्भ में सिंदखेड़ के वतनदार थे। लखुजी राव की पत्नी का नाम गिरजाबाई उर्फ मालसाबाई था। उन्हें 5 संतानें थी। पहले थे दत्ताजीराव, दूसरे अचलोजीराव, तीसरे बहादुरजी, चौथे राघोजीराव और सबसे छोटी बेटी राजमाता जिजाऊ थी। उनके भाई थे जगदेव राव। लखुजी राव को निजाम शाही में सन 1570 को 5000 की मनसबदारी मिली थी। निजाम शाह को 12 साल जिस देवगिरी किले को जीतना संभव नहीं हुआ, उस देवगिरी किले को लखुजी जाधव ने सन 1572 को जीतकर निजाम को दिया। इससे खुश होकर निजाम ने उन्हें 10,000 की मनसबदारी दी। इसके साथ ही उन्हें 9 सरदार, 23 किले, 56 चावड़िया, यह सब जहांगीरी उन्हें जीवन भर के लिए विरासत में दी। आगे निजाम ने उन्हें 15,000 की मनसबदारी सन 1605 को दी और अपना वजीर भी बनाया। जब राजा लखुजी जाधव सन 1621 में मुगलों के पास गए, तब उन्हें 24,000 जातिया और 15,000 सौर मनसबदारी में दी। दक्षिण में लखुजी राव, उनके पुत्र, उनके पोते और उनके संबंधियों को सम्मान दिया। सन 1615 से लेकर 1629 तक राजा लखुजीराव जाधव और उनके दामाद शाहजी महाराज ने मराठा शक्ति को मजबूत करने का पहला प्रयास किया। राजा लखुजी सिंदखेड़ के वतनदार थे, पर उनके पूर्वज यादव घराने से थे जो देवगिरी के रहने वाले थे। जाधव यह यादव घराने की उपशाखा है जो अब सिंदखेड़ में रहते थे। यादव घराने का जब अंत होने लगा तब उनके वंशज सब जगह फैल गए। यह वंशज फिर बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ में रहने लगे। सिंदखेड़ के जाधव परिवार में लखुजी एक महान और प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में उभरे। यादव साम्राज्य के विनाश के बाद लखुजी जाधव जाधव परिवार के ऊर्जा स्थान बने। बुलढाणा जिले के सिंदखेड़ के जाधवों का परिवार प्राचीन है। शिव पूर्व काल में कुछ परिस्थितियों के कारण निजामशाही और आदिलशाही के संरक्षण में कुछ मराठी कुलों का उदय हुआ। उनमें सिंदखेड़ के जाधव राव, वेरुल के भोसले, वासिम के उदाराम देशमुख पुतले, फलटन के नायक निम्बालकर, सरनाईक पवार शामिल थे। जाधव वंश लखुजी जाधव राव के कारण निजाम के शासन में सबसे आगे आया। लखुजी ने सिंदखेड़ में देशमुखों से अपराध के माध्यम से करने वाले सत्ता को तोड़ने के लिए देशमुखों को मार दिया। देशमुख घराने की स्त्रियों ने तब शांति से सिंदखेड़ की देशमुखी लखुजी राव को सौंप दी। यादव राजाओं के शासनकाल में मराठी राज्य को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज लखुजी जाधव की छोटी बेटी जिजाबाई के बेटे थे। लखुजी ने बड़े किले का निर्माण कर सिंदखेड़ को अपना मूल स्थान बनाया। 10,000 की फौज को तैयार किया। सिंदखेड़ के मंदिरों का पुनर्निर्माण कर पानी के छोटे छोटे जलाशय बनाकर सिंदखेड़ के विकास का प्रारंभ किया। पिता के साथ विद्रोह कर दक्षिण में आने वाले शाहजहां ने पराक्रमी लखुजी राव के साथ मिलकर अपने पिता से युद्ध किया। इस युद्ध में शाहजहां की हार हुई और उसे दक्षिण में फिर आश्रय के लिए आना पड़ा। उसके बाद रोशन गांव में मुगलों की ओर से लड़कर लखुजी राव ने मलिक अंबर को हराया। सन 1622 को अहमदनगर पर मुगलों ने कब्जा किया। तब से निजाम का दरबार देवगिरी किले पर भरने लगा और उसी दौरान छोटी सी बात के कारण रक्तपात होने की घटना घटी। दरबार बर्खास्त हुआ। सारे राजे, सरदार, अमीर, उमराव दरबार से बाहर आ रहे थे, जिससे किले के बाहर लोगों की भीड़ हो गई। सभी की सेना की टुकड़ियां, पालकी, हाथी, घोड़ों के कारण सरदार खंडागले के फौज का एक हाथी बेकाबू हो गया। उसने बहुत से लोगों को अपने पैरों तले रौंद दिया। अपने दांतों से लोगों को उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगा। लोगों की भगदड़ मची। उसे देख लखुजी के बड़े बेटे दत्ताजी ने सेना को आदेश देकर हाथी को रोकने के लिए कहा, पर उससे हाथी और भी बेकाबू हुआ। दत्ताजी के सेना के लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। यह देख दत्ताजी खुद हाथी को मारने आगे बढ़े। हालांकि विठोजी भोसले, संभाजी भोसले और खेनोजी राजे का कहना था कि हाथी को शांत करना बेहतर होगा, पर भगदड़ के कारण दत्ताजी यह सुन ना पाए और उन्होंने हाथी के सुंड पर वार किया, जिसके कारण हाथी बेहोश हो गया। इस सारी घटना के बाद विठोजी के पुत्र संभाजी और दत्ताजी जाधव आमने सामने आ गए। उनमें घमासान युद्ध शुरू हुआ और सभी ओर खून की नदियां बहने लगी। इसी दौरान विठोजी भोसले के पुत्र संभाजी राजे के हाथों दत्ताजी मारे गए। यह बात जब लखुजी राव को पता चली, तब लखुजी संभाजी पर आक्रमण करने गए और लखुजी जाधव के हाथों संभाजी मारे गए। तब से जाधव और भोसले परिवार का बैर शुरू हो गया।
पूर्णिमा के दिन 25 जुलाई 1629 को लखुजी अपने पुत्र अचलोजी, राघोजी और पोते यशवंतराव के साथ दौलताबाद के किले पर सुल्तान को मिलने गए। तब उनका बेटा बहादुरजी, पत्नी महारसाबाई और लखुजी के भाई जगदेवराव किले के तलहटी में रुके थे। निजाम के सरदार हमीद खान ने निजाम से कानाफुसरी में कहा कि यह मराठा लखुजी हराम को रहे, यह फितूरी कर सकता है और मुगलों को जाकर मिल सकता है, उससे पहले आप उसे मार दीजिए। और उसके ऊपर निजाम ने गर्दन हिलाकर उसको हाँ में जवाब दिया। लखुजी राव को मारने वालों को चुना गया। दरबार में कुछ हो ना जाए इस बात का बिल्कुल अंदाजा ना होने वाले लखुजी दरबार में पहुंचे और सब पर हमला हुआ। एक एक कर सारे मारे गए। ईमानदारी का यही फल होता है, यह फिर एक बार निजाम ने साबित कर दिया। किले के नीचे तलहटी में रुके लखुजी के परिवार को इस बात का पता चला और निजाम हम पर हमला कर हमें भी ना मार दे, यह सोचकर वह लोग किसी को बिना पता चले सिंदखेड पहुंचे। एक ईमानदार शूर पराक्रमी वीर मराठा की हत्या इस प्रकार हुई। लखुजी राजे जी की समाधि बुलढाणा जिले के सिंदखेड में मौजूद है। वहीं पर राजे दत्ताजी, राजे अचलोजी, राजे राघोजी और उनके पोते यशवंतराव की भी समाधि बनाई गई है। यह थी लखुजी राजे यानी राजमाता जिजाऊ के पिता की कहानी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए।